बीजेडी तार द्वितीय पर्याय प्रार्थी तालिका जारी करिछि। 27 जन विधायक एवं 5 जन लोकसभा प्रार्थी ना घोषणा करिछि। यार भितरे सबुठ भेटरन लीडर तथा पश्चिम ओडिशार जनाशुणा चेहरा पद्मनाभ बेहरा तथा पूर्वतन मंत्री तांको ऊपर भी दल पुनर्बार भरोसा करछि। वीर महाराजपुर मध्ये तांको पुनर्बार दल टिकट देछि। आम सहित अच्छा पद्मनाभ बेहरा सीधा सख आलोचना करवा। सर प्रथम स्वागत करी, पुनर्बार आपको दल भरोसा करछि, न्यूज 18 पक्ष स्वागत करी। सर प्रथम गोटे बड़ कथा हूँ, दल आपं ना को नहीं दिग्गत गोटे अंक कसुला, गोटे गोटे किसी कन्फ्यूजन थी। प्रथम पर्यायर आप ना को आसला ना, द्वितीय पर्याय समय आपको आम नवीन निवास देखी कौन सर किसी द्वंद्व होता कि सर आपको नहीं कि ना कौन सर एमती किसी कहीं विलंब है भावुंट ना मु तो विलंबर सब कौन कारण जाणिना मुझ तो पूर्ण विश्वास थी जो मतलब निश्चित भाव में दल सुप्रिमो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मतलब निश्चित भाव प्रार्थित्व सुजोग देवे और सुजोग मुझे सांगे बहुत पुराणा राजनीति जीवन भितर आरंभ होगी एवंसंगे अच्छी रही भविष्य में तेणु धन्यवाद देवी, कृतज्ञता जनवी माननीय मुख्यमंत्री को, 5T अध्यक्ष को, आम संगठन समाज जी अच्छा बबी दास को निश्चित भाव से मत आस्था प्रकट करो प्रार्थित्व सुजोग तेनाली मुझे कृतज्ञ और मोर जहाँ जो आस्था विश्वास निश्चित भाव में रखिकी निर्वाचन में बहु परिमाण भोट जयुक्त होती तीन मात्र सन्देह ना लोकों समस्या सांगे आम अच्छु लोकों सुख दुख सांगे अच्छु लोकों भल मंद आम निश्चित भाव में पहुंचुचु एवं तेणु लोक निश्चित भाव में आमको विश्वास को नेबे एवं आमको पुनी पुनर्बार निर्वाचित कर सर आम देखु लगातार भाव गोटे जीति आसू बीरमहाराजपुर आपड़ प्रतिनिधित्व करूँ विगत आम दुई तीन निर्वाचन कथा दी आलोचना करवा सर कहते बीजेपी धीरे धीरे गोटे बीजेडी भोट प्रतिशत हूं ह्रास मैं मार्जिनटा व्यवधान हूँ कमी कमी गला लगुच शेष निर्वाचन हूं 13,000 मार्जिन थी हूं एथर मत बीजेपी तरह प्रार्थी तालिका घोषणा कर सारी सीट केमी चेक देखें बर्तमान के प्रस्तुत राजनीति में केत परिस्थिति कौन कि भाव परिस्थित आसे से निश्चित भाव से आम जो मैंने विभिन्न समय विभिन्न भोट लड़ीचु आम भल भाव जाणीचु तेणु गत थर परिस्थिति टी निश्चित भाव में अलग था मोदी जी आसिक निजे सुवर्णपुर जिले में गोटे सभा समिति कर गोटे हावा गोटे सृष्टि कराइले आम निर्वाचन मंडल सुवर्णपुर जिले में तेणु टी भोट व्यवधान टी कमी ना पूर्व थर आम 32,000 ता पूर्व थर 21,000 एमती आम मार्जिन सब रही तेणु एथर आभली परिस्थिति ना गत थर परिस्थिति एथर परिस्थिति भितर अति भिन्न पॉलिटिक्स गोटे इश्यू को लेकर पॉलिटिक्स हुए राजनीति में भोट व्यवधान कमिबा बढ़िया गोटे इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स बीजेडी वर्तमान जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री कर लोकों प्रत्येक स्तर में श्रमिक मान कहतु चाषी मान कहतु महिला मान कहतु भत्ताधारी कहतु समस्त जहा जहाँ विभिन्न योजना सब कर प्रणयन कर सेटा लोक मेरे पहुंची लोकों द्वारा सारा आदृत होती तेणु भोट व्यवधान बहु परिमाण निश्चित भाव में बढ़ो ये अलग इश्यू एथर निर्वाचन गोटे हम लोक समस्ते चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री को पुणी षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री आसन देखापी तेणु बहु परिमाण भोट में आम जयुक्त हबु ये टीके भी सन्देह रही पश्चिम ओडिशा एथर बीजेडी पुनर्बार पूरा बड़ व्यवधान से बहुत बड़ व्यवधान गत थर पश्चिम ओडिशा जो टी अधे किसी सीट जो इपट सपट टी होता एथर आ पुनरावृत्ति हम ना बहुत व्यवधान में पश्चिम ओडिशा रे विजु जनता दल प्रार्थी प्रार्थी मैंने जयजुक्त हे गतर आप 5 लोकसभा हाथ खसी जाता कि विधानसभा 25 भली विधानसभा जीती पश्चिम ओडिशा जो 35 देखा एथर कि गोटे हेवी वेट बड़ फाइट गोटे हूँ केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मैदान को आपंक संगठन संपादक ओल्लाई जो फाइट भितर आपर विधानसभा क्षेत्र में कौन इंपैक्ट रही पश्चिम ओडिशा विशेषकर विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रभाव से भाव में रही ना भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल प्रभाव रही रु कहली तो एथर इश्यू संपूर्ण भाव अलग विकास उन्नति विभिन्न भाव जो ग्रहण कराई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विजु जनता दल सरकार द्वारा ताको लोक ग्रहण कर बहु परिमाण भोटे से जयजुक्त करेंगे ये मन स्थिर कर सारे लड़े कौन इंपैक्ट पड़ना निश्चित भाव में विजु जनता दल विधायक विधायिनी विधायिका प्रार्थी मैंने बहु परिमाण भोट जयजुक्त हे संगठन संपादक जेतु लड़ुचंती तार गोटे पूरा प्रभाव गोटे पश्चिम ओडिशार बीजेडी आशा करुछि कि जेतु गत थर जो लोकसभा किसी हाथ खसी जाता हूं तो विधानसभा किसी हाथ खसी जाता भल रिजल्ट करते से सब किसी आसन किसी द्वंद था से गोटे भरणा हो पार ना निश्चित भाव में से सब आसन में जोटा आम संगठन संपादक निर्वाचन लड़ुच्च तार तो प्रभाव निश्चित भाव में रहा
ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ତ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ, ଏଇଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜେଡି ଅନେକ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଚେହେରା ଯେଉଁମାନେ ଗତଥର ଲଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭେଟେରାନ୍ ଚେହେରା ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଭରସା କରୁଛି, ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ କାଟୁନି। ଗତଥର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 42 ଭଳି ଟିକେଟ୍ କଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 69 ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ମାତ୍ର 12-13 ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଛି। କ'ଣ ସାର୍ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭରସା କରୁଛି, କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସାର୍? ରାଜନୀତିରେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଯେ ପୁରୁଣା ହେଉ କି ନୂଆ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଯଦି ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବେ ତ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହେବ। ଅଲଗା ଦଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କେବଳ ବିଜୟ ୟୁନିବିଲିଟି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ୟୁନିବିଲିଟି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦଳ ଅଲଗା ଦଳ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେଭଳି ଯଦି ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, ତାକୁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲେ 20-20 ଲୋକସଭା ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ସାର୍ ସେଠି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି ନା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଲାଣି ପ୍ରାୟ 47-46 ଆସନ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ଦଳ କିଛି ଅଙ୍କ କଷା କରିଛି, କେବେ କ'ଣ ସାର୍ ପୁରା କାର୍ଡ ଖୋଲିବେ? ନାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆହୁରି ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ନୋମିନେସନ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ସ୍କ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କଲେ କରାଗଲେ ଦଳ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଦଳ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଲିଡର, 7-7 ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ 8ମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବିଧାନସଭା ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଦଳ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲଢ଼ିବ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।